ये अपना गुगल का स्टेडियम, ये देखो दुकान का नाम देखा। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई देखो, मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। अभी ना मैं यहाँ पे था, मतलब रोड पे चल रहा हूँ, अपना कहीं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इसके ना जो पिछले वाले शोकर है वो बिल्कुल ही बैठ गए हैं, मैंने मैकेनिक को दिखाया था, बिल्कुल ही बैठ गए। यहाँ पे देखो ना, कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल नीचे बैठा हुआ इंजन, पूरा यहाँ नीचे बैठा हुआ है। इवन मैं आपको यहाँ खोल के दिखा सकता हूँ, ये खोलूँगा ना मैं, पूरा इंजन बाहर आया हुआ इसका, दिखा था आपको खोल के। ये पेचकस मैंने यहाँ पर, ये मैंने यहाँ से खोला। अब देखो इसका जो बिल्कुल देखो इतना लेवल पे आ गया है, इवन लेवल से खड़े जैसे मैं ये लगाऊँ, देखो पेचकस, देखो पेचकस से बता सकता हूँ आपको, देखो ये कितना गर्म हो रहा है अभी इंजन। ये देखो बिल्कुल लेवल पे आ गया है इसके, मतलब सीट पूरी नीचे दब चुकी है और जो वाइब्रेशन है वो सीट तक आ रही है। इसमें बंद कर देता हूँ फिर भाई, जो वाइब्रेशन है ना इसकी वो पूरी सीट तक आ रही है। इवन यहाँ पे भी वाइब्रेशन है क्योंकि इंजन और सीट जुड़ चुके हैं, टाइप ऑफ जुड़ ही चुके हैं, कोई गैप नहीं बचा उनमें, तो ये जुड़ चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत वाइब्रेशन आ रही है आपको। कि भाई पिछले वाले मैंने वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो उनमें बस ये बता रखा कि भाई नया शोकर लगवा लो। तो मैंने पूछा है तो भाई नया शोकर लगवाया जाए या इनको ही भर जाते हैं, पिछले शोकर भर जाते हैं तो उनको भरते हैं, तो देखते हैं कौन सा बेटर होगा और क्या करवाते हैं, ठीक है, मिलते हैं आगे। भाई मैं आ गया हूँ शोकर शॉप पे। तो भाई ये अब आगे और पीछे वाले दोनों शोकर लगेंगे, तो भाई अभी ये खोल रहे हैं, आगे वाला शोकर खुलेगा और पीछे वाला वहाँ से शोकर खुलेगा, ठीक है, खुलवाते हैं फिर करवाते हैं, फिर मैं भरवा रहा हूँ, ठीक है, नया नहीं लगवा रहा, भरवा रहा हूँ मैं दोनों शोकर, ठीक है। अब जाके दिखा क्या प्रोसेस है। ये मेरा शोकर है और ये देखो पूरा लीक हो चुका है, ऑयल ही ऑयल, मेरा हाथ पे दिख रहा होगा आपको, पूरा ख़त्म है ना ये, हाँ दोस्त पूरा ख़त्म है ना ये, तो भाई इस मशीन में ऐसे लगा के करेंगे, जो भी करते हैं भाई इनका प्रोसेस होता होगा। अटैच हो गया भाई, मजाक हो गया मेरे साथ, जो मेरा ये पीछे आगे वाला शोकर था ना उसकी स्प्रिंग टूटी हुई निकली है, ये देखो ये रही और ये रही, स्प्रिंग टूटी हुई थी इनकी, अब खर्चा और बढ़ गया मेरा, तो भाई नई स्प्रिंग डालेंगे, देखते कितने रुपये लगे भाई। ये दो स्प्रिंग नई डलेगी, एक ये डाल दें, एक ये डालेंगे, मेरी ख़राब वाली आ गई, ये बड़ी ख़राब वाली है, ठीक है। ये भाई अपना खराब हुआ जो ठीक हो गया है, ये वाला शोकर है जो ठीक हुआ है, ये साइन मार रहा है पर हाथ से नहीं दबा रहा मेरे। बाकी अभी रोड पे चलेंगे तो आपका इसको रिव्यू बता ही दूंगा मैं आपको, एक लग रहा है, ये दूसरा लग रहा है, पीछे वाला शोकर अभी भैया कर रहे हैं। और भाई ये पीछे वाले शोकर है ये भी ख़राब है, इसके अंदर पता नहीं क्या होता है वो ख़राब है, तो अब मैं इसको रिपेयर ही करा रहा हूँ, नया तो मैं बाद में लगाऊंगा, और भी रिपेयर है, मतलब ये भी ख़त्म सही हो रहे हैं, और एक तो आप मैंने दिखाई थी इसकी स्प्रिंग टूटी हुई है, और भाई बन रहे हैं इसको दोबारा से, एक तो यार किस्मत ही ख़राब है हमारी, ऐसे खुलता है जब ख़राब हो रखा है तो। भाई आ गया, मक्खन लग गया है पीछे वाले शोकर, इन प्रोग्रेस अभी भी हो ही रहा है, भैया ने एक बार अभी पैक कर दिया फिर दोबारा खोला है, अब बाकी आ गया पूरा टाइम है, चलो देखते हैं कब कितना टाइम लगेगा, बाकी अंधेरा हो गया। बाकी ये दुकान भाई आप बार बता सकता हूँ, ये अपना गुगल का स्टेडियम, ये देखो दुकान का नाम दिख गया आपको, बस यहीं पर है, चलो दिखाते बाकी अभी बार लग जाते हैं। भाई पैक हो रहा है मामला सेट, पीछे वाला शोकर भी सेट हो गया, आगे वाला हो गया, टायर लग गया इसमें, पीछे वाला हो रहा है, उसके बाद आपको दिखा दूंगा मैं भाई कैसे चल रहा है इसका मामला। हो गया भाई पीछे वाला शोकर पैक, भाई लगा रहा है इसका,
लगाते हैं तो दिखाते हैं अपना प्रोग्राम। हेलो भाई, और दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और भाई आप कभी मत जाना मतलब ऐसी शॉप पे, और जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे तो बिल्कुल ही मत जाना भाई, क्योंकि भाई इस बंदे का बिहेवियर इतना बेकार। भाई मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ बता नहीं रहा, मुँह में अपना तम्बाकू खा रहा है ना, कुछ बता रहा, और बाकी मेरे को लग भी रहा था मेरे को लूट रहा है, क्योंकि कभी बोल रहा है इसने मेरे को पहले बोला 800 रुपये लगेंगे, मैंने बोला भाई 600 में पूछ गया था, बोला भाई ठीक है 600 दे देना, मतलब इतनी जल्दी एग्री हो गया। मैंने बोला 800 बोला ठीक है भाई 600 दे देना। फिर जब मैं इसने सोकर खोला तो सोकर खोलते इसने बोल दिया भाई पीछे वाला सोकर ख़राब है, आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, मतलब 800 रुपये इसने पूरे कर दिए। अरे ठीक है कर, फिर चलो भाई 800 रुपये इसने बना लिए मेरे से जैसे तैसे करके, ठीक है। बाकी फिर जब इसने आगे वाला सोकर खोला तो उसके अंदर स्प्रिंग टूटी हुई थी, तो भाई चलो वो तो मैकेनिकल फॉल्ट है, वो तो चलो ठीक है। उसके इसने मेरे से मांगे 300 रुपये, 300 रुपये एक स्प्रिंग के, तो वो कुछ ज़्यादा थे। मैंने इसने मेरे से टोटल 1000 रुपये का बिल बना मेरा लास्ट में, और जिसमें मेरे को लगा इसने मेरे को लूटा ही है, क्योंकि इसने 800 रुपये मेरे वैसे ही बना दिए। और उसने जो बोल रहा ना पीछे वाला सोकर टूटा हुआ है, आई थिंक इसने कुछ भी नहीं करा, इसने सोकर खोला और दोबारा भर दिया जैसे जो नॉर्मल काम होता वही करा इसने। बट उसने बोला कि भाई इसमें टूटा हुआ, कुछ भी नहीं टूटा हुआ था इसमें, कुछ भी नहीं नया लगाया, और मैं सब कुछ बोल रहा हूँ बोल ही नहीं रहा, रिप्लाई ना लगा। तो भाई मत जाना यहाँ पे, मैंने बाकी आपको एड्रेस बता ही दिया, ये सूरजमल मेट्रो स्टेशन के पास है, यहाँ बिल्कुल मत जाना, नहीं तो भाई लंबा कटोगे और खामा गई लड़ाई होगी। मैं अकेला था और बाकी मेरा लड़ने का मूड भी नहीं था, तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। मैंने बोला ठीक है अपना करने दो, जो भी है 100 रुपये एक्स्ट्रा तो ले रहा है कोई बात नहीं, अब अगली बार थोड़ी ना आएगा, अगली बार थोड़ी ना होगा, कोई भी नहीं आएगा। लाइक मेरे जो रेफरेंस वाले उनको मैं जो भी मेरे पूछेगा तो मैं नहीं करूँगा भाई, यहाँ मत जाना, कहीं और से करा लो या कंपनी से करा लेना। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही था। नहीं भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।